हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उन्नाव वाला बहुआ। काफी दिनों के बाद एक नए वीडियो में स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस टाइम सूरत में हूं और डायमंड वर्क करता हूं और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज मेरा आखिरी दिन है और मेरा लास्ट डे है ऑफिस में। तो मैं फिलहाल अभी ऑफिस में हूं और आज आपको मैं दिखाने वाला हूं, पूरा सब चीज दिखाने वाला हूं, एक एक चीज समझाऊंगा कि डायमंड में वर्क कैसे होता है, मतलब जो मैं काम करता हूं वो काम कैसा है, हीरे के कटिंग वाला काम कैसा है यहाँ पे सूरत में। अगर आप आना चाहते हैं, हीरे का काम करना चाहते हैं, हीरे का काम कैसे सीखना है, कितने रुपए पगार रहते हैं, कितने तरह का काम होता है, हीरा ओरिजिनल रहता है या नहीं रहता है, कितने घंटे की ड्यूटी रहेगी, आपको कैसे काम मिलेगा यहाँ पे, सारा कुछ जानने को आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो गाइज इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और उम्मीद है मुझे वीडियो आपको पसंद आएगा। और मुझे काम कैसे मिला है, मेरी कितनी इनकम है, सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ भाई। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और कई दिनों के बाद, इसके बाद में मुझे आज से गांव चले जाना है और गांव में जाने के बाद मुझे 9 अप्रैल को जाना है बालाजी खाटू श्याम। ये सारा ट्रिप होने वाला, उसके बाद कंटिन्यू ब्लॉग आते रहेंगे। तो चलिए दिखाते हैं फिर आपको डायमंड का वर्क कैसे होता है, शुरू से दिखाएंगे आपको कि स्टेप स्टेप हीरा कैसे आता है, पहले क्या होता है, वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे कंप्लीट, कितना इनकम होता है ये सबका। और ये मेरा दोस्त विशाल है जो कि मेरा साथ में ही काम करता है, और भी सब लोग हैं जो कि नाइट ड्यूटी कर रहे हैं। हमने आज दिन कर लिया था तो नाइट में वीडियो बनाना था और आज लास्ट डे है, तो काफी मुझे दुख भी हो रहा है कि यार सभी को छोड़ के आज चले जाएंगे, कैसा लगेगा, क्योंकि गाँव भी जाना है, वहां भी यार अपने बचपन के दोस्त है, फैमिली है, इतने लोग, इतने दिनों से मैं सबसे दूर था, वहां जाने की खुशी है और यहाँ जाने से दुख हो रहा है, फिर भी सब करना पड़ता है। तो चलिए दिखाते हैं फिलहाल आपको डायमंड वर्क कैसे होता है और कैसे काम मिलता है, सारा कुछ जानने। भाई जब से मैं आया, जब से लोग यही कमेंट कर रहे हैं भाई मुझे भी ले चलो, हमें भी काम सिखाओ, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, वो काम सीखने में कितना टाइम लगेगा, या और भी काम होते हैं, सिंपल काम होते हैं और अच्छे अच्छे काम भी होते हैं जिनमें अच्छा खासा इनकम भी होता है, सारा कुछ बताएंगे, सारा कुछ दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और हाँ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर देना, शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले क्या होता है कि ऐसा है, मतलब हीरा आता है पैकेट के अंदर, इसमें क्या होता है कि 1 टॉप 2 टॉप 3 टॉप, मतलब क्या है, एक हीरा रहेगा ऐसा पत्थर, उसमें 3 हीरा निकल सकते हैं, 4 हीरा निकल सकते हैं, वो ऐसे शरीर में मापा जाता है। सो गाइस मल्टी में हीरा करने के बाद में वहां पे जाता है सेठ लोग के पास में और चेक होता है, चेक होने के बाद में उसको मापा जाता है, मापने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे सब हीरा रखा है, पास से फोटो लेके दिखा देंगे। उसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो कारीगर रहता है इसको सरिंग बोलते हैं मशीन को, ये हीरा उठा के यहाँ पे वाइटन लगा के यहाँ पे रख के अभी रखा हुआ है और इसको मापा जाता है, उसमें निशान लग जाता है, उसके बाद में ये ऐसा प्लेट में रखते जाते हैं, ये प्लेट उठ के जाते हैं वहाँ पे टीचिंग में, जिसको बोलते हैं चिपकाते हैं हीरा, और वो टीचिंग में जाता है, वो अभी ट्रीटिंग वाला दिखाते हैं आपको। फिर उसके बाद में मापने के बाद में वो दो मशीन रहती है मल्टी की, यहाँ पे है मल्टी में जाके कटे होता है, जो अभी मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ, रवि भाई और भगत भाई ये हमारे यहाँ मल्टी चलाते हैं, तो वहां से हीरा कट के आता है, कट के आने के बाद फिर उसको मापा जाता है, मापने के बाद में इस तरह से तैयार किया जाता है, ये है प्लेट, इसमें 100 हीरा है, इस तरह से रहेगा और उसको आराम से खोलने का रहता है, और मैं आपको दिखाता हूँ, और इसको बोलते हैं टीचिंग, इसको बोलते हैं टीचिंग, मैं दिखाता हूँ पहले इसको क्या करते हैं, ऐसे खोल लेते हैं आराम से, इसमें पूरा हीरा रहता है, मिसाल पास से दिखाना थोड़ा, ये इसे ऐसे प्लेट में हीरा पड़ा रहेगा, उसमें क्या करते हैं हम ये उठाते हैं, ऐसा रहता है जिसपे हीरा चिपकाया जाता है, इसको डाई बोलते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे डिब्बा से निकाल लेते हैं, ये होता है मिट्टी या इसको गम बोल सकते हैं, गोंद बोल सकते हैं, तो इसका गोली बनाया जाता है इस प्रकार से, ऐसे गोली बना लिया, फिर उसके बाद में एक लाइन से ऐसे हीरा ले लिया, हीरा लेने के बाद में इसको देख के, मतलब इसमें लाइन होता है शरीर में, तो इसमें लाइन होता है तो ऐसे यहाँ पर रख के लगाया जाता है, ऐसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ, वहां पे गोंद लिया और इसपे डाई पे हीरा रख के इसमें देख के चिपका दिया, बरोबर रख दिया, बरोबर रखने के बाद में ऐसे करके 100 हीरा लगा के ये प्लेट होती है, प्लेट में ऐसे रख देते हैं, पूरा 100 का प्लेट इससे चिपका के इसमें रख दिया, इसके बाद में 100 हीरा हम क्या करते हैं यहाँ पे रखते हैं, ये होता है ओवन मशीन,
इसको यहाँ से चालू कर दिया और इसको प्लेट में इसमें रख दिया। इसमें क्या होता है कि हीरा मतलब 15 से 20 मिनट बाद हीरा पक जाता है। पकने के बाद में यहाँ पे नीचे रख देते हैं ऐसे। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है कि ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद में क्या करते हैं, ये प्लेट रखा है जो ठंडा हो गया, फिर उसको हम क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे रखना होता है। और उसके बाद में यहाँ से थोड़ा क्या होता है, जब गोंद पकता है तो थोड़ा इधर उधर हिल जाता है, तो उसको सेटअप बोलते हैं। और इसको यहाँ पे रख के सीधा किया जाता है इससे। मतलब क्या है, थोड़ा ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इस पे दिखाना विशाल, ये ईटे में आपको निशान दिख रहा है, इसको बोलते हैं सरिन। ये लाइन दिख रहा है, यही देख के लगाया जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे लाइन मिला के ऐसे जैसे तिरछा है थोड़ा, तो इसको सेटअप मारा जाता है इस तरह से, ऐसे कर दिया जाता है। उसके बाद ये ऐसे कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद में ये इसका पैकेट रहता है, जितना लोड रहता है उसको उधर रख दिया जाता है। इसके बाद में ये हीरा जाता है 4P मशीन में, जो मैं करता हूँ। चलिए दिखाते हैं इसका कटिंग कैसे होता है। ये यहाँ से हीरा चिपक गया तो आप समझ गए ना, पहले हीरा आता है, फिर उसके बाद में मल्टी मशीन में जाता है, उसका जैसा 4-5 टुकड़े में अलग होता है, फिर मापा जाता है। मापने के बाद में यहाँ पे टीचिंग में आता है, चिपकाया जाता है। इसके बाद में जाएगा 4P मशीन में, जो मैं चलाता हूँ। चलिए दिखाते हैं अब इसका कटिंग कैसे होता है। सो गाइज, अब मैं आया हूँ 4P मशीन में, जो कि इस तरह से कुछ होता है जो मैं करता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आपको दिखाया था कुछ इस तरह से प्लेट होता है, जो वहां से टीचिंग से लग के आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें हीरा का नंबर पड़ा होता है और वजन पड़ा होता है। इसको हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे डालते हैं, उसके बाद में एक लाइन से इसको काटना होता है, उस पर उसका जो साइज होता है, डायमीटर बोलते हैं, वो आ जाता है, वैसे ही लगा के इसको काटते हैं। तो वो मैं करता हूँ, मैं अभी काट के आपको दिखाता हूँ। जैसे हीरा करता है, जैसा मैंने आपको बताया है कि आगे पीछे होगा तो नहीं, क्योंकि इधर दिखाना विशाल, ये होता है इसका डायमीटर साइज, जो कि इस हीरे में बना होता है साइज। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इधर ये है डाई, तो इसको यहाँ पे अंदर मशीन में रखना होता है। यहाँ पे ये होता है चुंबक का, इतना आसान भी नहीं होता है सेट करना। उसमें रख दिया और एक हाथ आपका होना चाहिए कीबोर्ड पे, और इसको यहाँ पे बटन से सेट किया जाता है, ऐसा फोकस करके इसको घुमा के इधर से सर्कल मिलाना होता है। ये जो आपको दिख रहा है इसमें सर्कल रेड कलर का, ये इसमें जो निशान होता है हीरे पे ब्लैक कलर का, अभी दिखाता हूँ आपको, ये ब्लैक कलर का निशान है और ये रेड कलर का जो इसमें बना होता है, इसको इसी पे बिठाना होता है ऐसा। देखने में आपको आसान लग रहा होगा, बट आसान नहीं होता, क्योंकि ये चुंबक का डाई होता है, उस पे ये लोहे का फिट करना आसान नहीं होता। फिर उसके बाद में यहाँ पे इसको सेट करते हैं इधर से, फिर उसके बाद में ये चालू कर देंगे हीरा। ये हीरा कटना चालू हो गया, तो इस तरह से हो गया हीरा कटता है। कटने के बाद में कुछ इस तरह से निकलता है, ये आपको दिखा रहे हैं, कितना छोटा सा होता है, देख सकते हैं, दिख रहा है, ये इस तरह से होता है। और इसको क्या है, ये होता है हाई ग्लास, जिससे हम आंख से लगा के देखते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं देख पाएंगे, देख सकते हैं, ऐसे गिर जाएगा जमीन में। तो इसको हम यहाँ से देखते हैं कंप्लीट है या नहीं है। कंप्लीट आ गया, तो इधर ये सुपड़ी होता है जिसमें हम रख देते हैं, ऐसे करके हम अपना काटते रहते हैं घुमा घुमा के। मतलब चारों, तो हीरा में चार चीज होता है, टेबल, वीट, धार, तलिया, चारों चीज कंप्लीट आना चाहिए और चारों चीज यहीं से कटता है। यहाँ पे टाइम दिखता रहता है, वो सब चीज है। अगर आप जब करोगे तो फिर ज्यादा जानोगे, और ज्यादा डीपली में बताना भी अच्छा नहीं है। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था आपको, सबसे पहले हीरा आपके मल्टी में कटता है, उसमें 3-4 टुकड़े होते हैं, फिर जाता है शरीर में मपता है, फिर टीचिंग में, फिर आके 4P में कटता है। लेकिन मल्टी में अभी नाइट में नहीं चल रहा है, दोनों मशीन बंद पड़ी हुई, कैसे चलता है वो मैं आपको फुटेज लगा के दिखा दूंगा, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। इसका कुछ इस तरह से डाई होता है, इस पे हीरा लगा होता है, इसको यहाँ पे सेट करके और इसको काटा जाता है। इसमें 3 टॉप 4 टॉप, मतलब कि 3 हीरा 4 हीरा 5 हीरा इस तरह से निकलता है, एक हीरा में उसमें एक एक हीरा कटता है, तो इस तरह से होता है। तो अभी मैं इसका सब प्राइस भी बताऊंगा कि वो काम का कितना पैसा मिलता है, टीचिंग का, सरिन का कितना मिलता है, मल्टी का कितना मिलता है, 4P का कितना मिलता है, और 4P पे हीरा कटने के बाद में जाता है घंटी तलिया में, क्योंकि आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक रहता है हीरा, बिल्कुल चमकता है। लेकिन अभी यहाँ पे कम्प्लीट नहीं हुआ, 4-5 प्रोसेस होने के बाद में अभी जाता है उसमें घंटी तलिया में, जो कि अभी दिन में ही चलता है। अभी मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, तो उसका फुटेज लगा दूंगा घंटी तलिया कैसे काम करता है, और उसका भी अभी इनकम बताऊंगा। तो चलते हैं फिर आगे और बताते हैं।
सुजीत करता है। So guys, मैंने इतना काम दिखा दिया है और मैं आपको अभी बहुत कुछ बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे काम कैसे सीख सकते हैं और अभी सारे काम का इनकम मतलब टीचिंग का कितना इनकम मिलता है और मैं जो करता हूँ उसका कितना इनकम मिलता है, आप कैसे आ सकते हैं, कौन सा काम आसान है सही है और हीरे में एक प्रकार का काम नहीं बहुत प्रकार का काम है, जितना दिखा है इससे भी और ज्यादा। अभी गैलेक्सी का हीरा रहता है उसका बनाना, उसका टीचिंग करना, मल्टी का टीचिंग हो गया, गैलेक्सी प्लानिंग हो गया है, काफी प्रकार का काम होता है। तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा मैं कैसे काम सीखा हूँ, मैं कैसे यहाँ पे आया हूँ। तो मेरी शुरुआत होती है 22 नवम्बर 2022 से। तो 22 नवम्बर 2022 को मैं यहाँ पे आया था और आया था ऐसे घूमने के चक्कर में, जैसे हर जगह पे जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए। फिर उसके बाद में मैं आया, एक लोग यहाँ पे काम करते थे उसके साथ में यहाँ पे आया ऑफिस में और यहाँ पे सेठ हमारे दो लोग हैं, जीतू भाई और घनश्याम भाई, घना भाई। तो दोनों लोग काफी अच्छे हैं और मेरे को कभी नहीं पूछा कि किस लिए आए हो, क्या आए हो, क्या करते हो, कुछ नहीं पूछा कभी। तो उसके साथ में आए थे और उसके साथ में थोड़े दिन टीचिंग किया, टीचिंग वाला काम करने लगे थे, लेकिन मेरे को 4P अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरे को शंकर और विशाल जैसे दोस्त मिले थे जो कि मुझे 4P सिखाए, जिनकी वजह से मैं आज काम कर रहा हूँ, जो कुछ करता हूँ इन दोनों लोगों की वजह से हूँ। तो मैं ये एहसान तो कभी नहीं भूल पाऊंगा। और सेठ लोगों का ऐसा है कि कभी कुछ बोले नहीं, कितना भी गलती कर देता था कुछ भी कर देता कभी नहीं बोलते थे। तो ये शंकर भाई है, शंकर भाई कुछ बोलेगा, बोलो शंकर भाई। जब मैं आया था पहली बार तो कैसा लगा था, क्या सोचे थे कि इनको काम सिखाना चाहिए, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? वो तो बात है, काम तो सिखाना पड़ेगा, वो भी काम कर सीखने आया है। ऐसे आया था घूमने के लिए, तो मेरे को बोला था शंकर भाई मेरे को 4P सीखना है, तो मैंने बोला हाँ भाई सीखना हो तो आ जाना, मैंने उसको मना नहीं किया। वो सीख जाएगा तो उसका भी काम होता है, सही है, तो उसका चलता रहेगा, घूमने का भी चलता रहेगा। ये बात मैंने भी सोचा था, बाद में मैंने बोला हाँ जाना सीखने के लिए। अभी वो सीख के काम पे भी उसका इनकम भी हो रहा है, इनकम भी चालू हो गया है, अच्छी सी कमाई कर रहा है। वो मेरे को बोलता है शंकर भाई अच्छा सिखा दिया तो अच्छा हुआ, सही बात है। चलो वही मैं भी याद रखूंगा कि मैंने सिखाया हुआ कारीगर अभी काम करता है। मैं भी हमेशा याद रखूंगा क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ और घर परिवार फैमिली दोस्त सबको छोड़ के यहाँ पे पहली बार अनजान शहर में आना हो, और उसके बाद में अनजान शहर में आने के बाद में अनजान लोगों से बात करना। पहली बार मैं आया था तो इन लोगों से जब मिले तो ये लोग सब गुजराती में बात करते, वो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता था, ये सब लोग बात करते हंसते थे, बाद में पता चलता था कि मेरी ही बात हो रही है, मेरी बात पे हंस रहे, समझ नहीं पाते थे। तो विशाल बोलेगा और विशाल बताएगा गुजराती में बोल के। विशाल बोल, जब मैं पहली बार आया था कैसा लग रहा था? विशाल नहीं था, विशाल बाद में आया था, शंकर था पहले। विशाल बोल कुछ गुजराती में अपनी भाषा में बोलने का, बोलना जब मैं पहली बार आया था तो क्या सोच रहा तू, पहली बार आया तो कैसा लग रहा? याद आया वो बोल गुजराती में है, कोई नहीं समझ पड़ेगा, गुजराती में नहीं बोलेगा ऐसा? अरे वो समझ ही नहीं, अरे नहीं समझेगा, लेकिन वो उनको लगेगा गुजराती भाषा कैसी होती है। वो चीज चालू कर दे, चालू सुगम फैन चालू कर दे। हेलो यार, वही लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई। हाँ बस आटलो वीडियो। सो गाइस, ये थे हमारे दोस्त शंकर और विशाल, इनकी वजह से मैं यहाँ पे काम करा, आपको दिखाया ये सब बताया। तो अभी हम लोग नाइट में ड्यूटी करते थे और शंकर दिन में करता था, अभी शंकर नाइट में कर रहा है, हमको गांव जाना है तो हम दिन में कर लिए थे। अब हम और विशाल सो जाएंगे, शंकर नाइट में काम करेगा और सुबह हम मिलेंगे अपने सेट से और अपना इनकम लेंगे और उसके बाद में अपने को निकलना है। नेक्स्ट वीडियो आएगा सुबह का सीन लेंगे, अपने सेट को दिखाएंगे, सेट से बात करेंगे, उसके बाद में निकल जाएंगे भाई। और काफी दुख होगा यार भाई, सबको छोड़ के जानेगा भाई। होगा ना, सिखाया हुआ कारीगर जाएगा गांव, कैसा लगेगा? मैंने सिखाया हुआ मेरे साथ बैठता है, गांव जाने लगता ना, सही है, गांव जाने की खुशी हो रही है और इधर से जाने का दुख हो रहा है भाई। दुख हो रहा है,
हम लोग को मतलब देखो पहली बात तो है कि हम लोग ना घर के हैं ना कोई रिलेशन का है, पहली बार अनजान शहर में आए, अनजान लोगों से मिले, इतना दोस्ती हो गया कि मैं शंकर के गांव गया, शंकर सब साथ में हम लोग खाते पीते, कभी कुछ नहीं, इतना दोस्ती हो गया कि अब जाने का मन नहीं करता है, दर्द होता है कि यार जाएंगे, शंकर को याद आएगा, विशाल को याद आएगा, सब यहाँ का लोग साथ में जो काम करते सबको याद आएगा। लेकिन मैं भी 4-5 महीना हो गया अपना घर पापा मम्मी सबको छोड़ के यहाँ पे आया, तो अभी वहाँ भी जाना है और वहाँ से फिर आएंगे शंकर विशाल से मिलेंगे, फिर अपना काम होता रहेगा अच्छे से, फिर अपना चलता रहेगा, जो आगे होगा देखने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं सुबह सेठ लोग के साथ में। सो गाइज अब एक मिनट का बता देता हूँ मैं आपको कि इनकम कैसे होती है और कितनी कितनी होती है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने शुरुआत किया था वो कह रहा था कि हीरा आता है सबसे पहले जाता है 4P में कटता है, तो 4P वालों का मतलब ज्यादातर फिक्स पे होता है 25, 26, 27 पे ऐसा करके फिक्स पे होता है 26 दिन का महीना होता है और 25, 26, 24 इस प्रकार से उनका फिक्स पे पगार होता है। फिर उसके बाद में मैं बताया था हीरा आता है शरीर में, यानी कि उसको मापा जाता है, उस पर निशान लगाया जाता है, उसी को देख के टीचिंग होता है, उसी को देख के हीरा काटा जाता है। तो शरीर में मतलब फिक्स पर भी होता है और ऐसे नग पर भी होता है। शरीन का जो भाव है यहाँ पे वो 22 से 23, 24 हजार ऐसे फिक्स पे होता है और जो नग पर होता है वो 80 पैसा होता है, तो 1200-1300 हीरा माप देता है तो उनका 1000 रुपए का काम ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद में टीचिंग वालों का उनका भी 80 पैसा भाव है और बाकी हीरा पे बात होता है, जाड़ा हीरा मतलब बड़ा हीरा है, छोटा हीरा है, उस प्रकार से होता है सभी चीजों का पैसा। तो टीचिंग में भी 80 पैसा भाव मिलता है, तो 80 पैसा वो लोग भी 1200-1300 हीरा 1000 हीरा लगा देते हैं, तो उनका भी 800-900 हजार का काम ऐसे होता है। फिर उसके बाद में आता है हमारा नंबर, हम लोग मतलब 4P वालों का, तो हमारा 4P का मतलब क्या होता है कि हीरे पे बात होती है, हीरा मतलब जाड़ा हीरा है तो उसका भाव 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए भी हो सकता है। उसके बाद में जीना हीरा है तो हमारा जो भाव है वो 1 रुपए 80 पैसा है, तो जैसे अभी हम 500 हीरा काट देते हैं तो 1 रुपए 80 पैसा भाव है, तो 500 हीरा काट दिया तो कितना हुआ, 900 रुपए का काम हुआ, 550 काट दिया, 560 काट दिया, 1000 रुपए का काम हुआ। तो इस तरह से होता है 900, 1000, 800 का काम। जाड़ा हीरा आ गया तो कम हीरा का काम होगा, या दूसरा जगह पे जाओगे वहां पे अच्छा भाव मिल जाएगा तो अच्छा खासा इनकम हो सकता है, ऐसा करके होता है। तो अगर आप यहाँ पे काम सीखना आना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे काफी तरह का काम होता है। कई लोग मुझसे बोलते हैं तो मैं जो करता हूँ शायद आपको पसंद ना आए, और एक लोग को लेकर आओ फिर सब लोग बोलते हैं मेरे को ले चलो, मेरे को ले चलो, तो इस और मेरे को कोई पक्का नहीं कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फिर कब रहूँ कब ना हूँ। और बात ये होती है कि मेरे साथ में कोई नहीं आ सकता, यहाँ पे मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, दूसरा पर्सन नहीं आ सकता, अलाउ नहीं होता है ऐसा कि एक तुम कर रहे हो साथ में दूसरे को लेके आओ सिखाओ बैठाओ, वो बंदा क्या करेगा काम बिगाड़ेगा, ऐसा इसलिए नहीं आने देते हैं किसी को इसलिए। और यहाँ पे जैसे अपने कंपटीशन कोचिंग होते हैं, क्लासेस होते हैं, ट्यूशन होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं ट्यूशन कोचिंग होते हैं, उसी तरह यहाँ पे डायमंड का भी कोर्स सिखाया जाता है, 3500, 4000, 5000 रुपए लेते हैं, आप आराम से सीख सकते हैं हर कोर्स, मतलब आप महीना 20-25 दिन 1 महीने में सीख जाएंगे, जैसे आप बाकी अपने ऊपर रहता है। जैसे मैं 4P 15 दिन में करने लगा था, टीचिंग भी सीखा सबसे पहले 15 दिन में करने लगा था, इस तरह सीख सकते हैं आप। तो यहाँ पे अगर आप रहने का जुगाड़ बना लेते हैं किसी के साथ में आइए तो आप यहाँ पे कोर्स भी रहते हैं, या आपका कोई दोस्त रहता है जो छोटे ऑफिस में काम करता है तो वो आपको काम सिखा देगा, आप भी काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं सुबह हम और सेठ से बातचीत करते हैं और अपना इनकम लेते हैं, वो दिखाते हैं सीन, बहुत ही अच्छा रहेगा। और सेठ लोग हमारे बहुत अच्छे हैं, कितना भी कुछ कर देते थे कभी नहीं बोलते थे, वो ऐसा मैं कभी नहीं भूलूंगा, और गाँव जाएंगे फिर वो सीन भी आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं सुबह। तो दोस्तों जैसा कि मैंने दिखाया था आपको डायमंड का वर्क कैसा होता है, उसके बाद मैंने बोला था अभी हम लोग यहाँ पे खा पी के सो जाएंगे, उसके बाद में सुबह हमारे सेठ लोग आएंगे वो दिखाएंगे। तो यहाँ पे सेठ लोग हैं और हमारे बहुत ही अच्छे सेठ हैं, ये सेठ है हमारे घनश्याम भाई, और कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोल गाँव जा रहा हूँ, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है, अच्छा है ना? अच्छा नहीं अभी जीतू भाई बोल रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है, पता के वापस जल्दी आ जाएगा। हाँ ऐसा बोल रहे हैं, वापस जल्दी से आ जाना क्योंकि यहाँ पे काम करते, हमें भी अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि पहली बार जब आए थे और सेठ मिले थे, सेठ ने कुछ नहीं बोला था, सेठ हमारे बहुत अच्छे हैं, पहली बार आए यहाँ पे टीचिंग कर रहे थे, फिर उसके बाद 4P सीखा, और कोई भी मिस्टेक हो जाती थी कितना भी कुछ हो जाता था कभी नहीं बोलते थे।
तो जो भी मिस्टेक हुआ उसके लिए सॉरी, और मैं गांव जा रहा हूँ। तो ये मेरे घनश्याम भाई हैं और इधर जीतू भाई को भी दिखाते हैं। जीतू भाई केम छो? बढ़िया 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 है, गांव जा रहा हूँ। जाओ जल्दी वापस आ जाना, काम करना काम करना है। तो अभी हम गांव जाने वाले हैं, तो यहाँ से मैंने सोचा दिखा देते हैं डायमंड का वर्क कैसा होता है। और ये जीतू भाई यहाँ पे अभी मेरे को पूरा पेमेंट भी दिया है और यहीं से काम सीखा है हमने, और यहीं से जा रहा हूँ गांव। फिर वापस आएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे, फिर मिलेंगे। तो चलते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय स्वामी नारायण। मल्टी ऑपरेटर भगत भाई, एक बार बाय कर दो। बाय। गुड मॉर्निंग गाइज, आज सुबह हो गया दूसरा दिन, और ऑफिस से आने के बाद में आज मैंने फुल तैयारी कर ली। और मेरे पास दो बाइक हो गए, एक है मेरे पास में, एक दिनेश पास में, और एक थैली। और ये सब लोग छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे रेलवे स्टेशन में, सूरत के रेलवे स्टेशन में, और वहाँ से पकड़ेंगे अपना ट्रेन और पहुँच जाएंगे अपना कानपुर। और भाई यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अलग रहा है, क्योंकि जो हमारे सेठ लोग थे दो, जीतू भाई और घनश्याम भाई, दोनों लोग बहुत ही अच्छे थे। और जो भी मिस्टेक करता था कभी कुछ नहीं बोलते थे। और मेरे गुरु हैं जिन्होंने, जिनकी वजह से मैं आज इतने दिन सूरत में रुका हूँ, वो हैं शंकर और विशाल। उसमें कुछ हिस्सा दिनेश का भी है। दिनेश सबसे पहले मुझे ले गया था ऑफिस में, और ये लोग का भी बहुत प्यार मिला। सब रूम के लोग हैं, साथ में रहते थे, मस्ती करते थे। आज सबको छोड़ के जा रहा हूँ घर, जल्द ही आऊँगा सबसे, फिर मिलूँगा। तो चलते हैं सूरत रेलवे स्टेशन, पकड़ते हैं ट्रेन और निकलते हैं कानपुर के लिए। तो गाइज फाइनली 24 घंटे बाद आ चुके हैं कानपुर में, और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस यही कहेंगे कि वीडियो में जो भी दिखाया उसके बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टा पे DM, इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और देखते रहिए हमारे साथ नए नए वीडियोज़।